क्या कहना चाहेंगे 200 एपिसोड्स हो गए उसके, बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मा मनी जी आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। क्या नाम है कि क्या नाम है कि 200 से 2000 पहुंच जाए, और इस टीम के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पहली बार ये शो किया है, मतलब माइथो में, संक्षेप में। इतनी हिंदी तो नहीं आती, इसीलिए गुरु तथाचार्य का मैं थप्पड़ हमेशा पिटता रहता हूँ, बट बहुत आनंद आ रहा है पंकज बेरी सर के साथ, रामा जी के साथ। हाँ जी, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सिलसिला चलता रहे, और कम से कम इतनी ख्वाहिश है कि एपिसोड 2000 होना चाहिए और सीक्वल कम से कम दो बार होना चाहिए। और इस सीरियल के दौरान धनी की एक मनोकामना है, मैं ये दिल से दुआ करता हूँ इसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। इसका ख्वाब है, इसकी इच्छा है कि ये सीरियल चलते चलते इसकी शादी हो जाए। तो भाई इसकी शादी हो जाए, कम से कम एक बार हो जाए। जनार्दन को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, और हमें भी, और हमें हमारे काम को उन्होंने सराहा, उम्मीद करते हैं आगे भी सराहते रहेंगे और हम लोग पूरी मेहनत से उनका एंजॉयमेंट करेंगे। ये रामा जी तो बस अच्छे से काम कर रहे हैं, खुशी खुशी मज़े से। आपको जो हैप्पीनेस हमारे स्क्रीन पर दिखती है, वही हैप्पीनेस हमारे ऑफ स्क्रीन भी होती है। हम उतने ही मज़े से और शिद्दत से और मेहनत से काम करते रहते हैं। जितना ग्लैमर, जितना सक्सेस ऑन स्क्रीन दिखता है, उससे डबल ट्रिपल गुना मेहनत हम करते हैं, और उस मेहनत को लोग सराहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से हम आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, और थैंक यू टू द ऑडियंस, थैंक यू ऑल, स्पेशली बच्चे जिन्हें मैं बहुत पसंद हूँ, जिन्हें बंधु बहुत पसंद है, जिन्हें गुंडप्पा तथाचार्य धनी मनी अम्मा शारदा सब बहुत पसंद है, तो मैं सबके बिहाफ पे आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। ये देखिए हमारे शो का ग्लैमर है सौदामिनी देवी, कहेंगी 200 एपिसोड पूरे हो गए। या आई एम वेरी हैप्पी टुडे, और उसी खुशी में मैं नृत्य कर रही हूँ आज, तो प्लीज आप देखिए। और सबसे ज्यादा खुश हमारे गुरु जी हैं। हाँ, क्योंकि ये गुरु जी पीछे पड़े इनके और हम इनके पीछे पड़े। ऑल द बेस्ट, प्लीज हमारे शो को आप देखते रहिए, प्यार देते रहिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं हाँ बाबा तथाचार्य बहुत खुश हैं इस बात पर, और एक्साइटेड हैं सौदामिनी के नृत्य को लेकर के, और कुछ ज़्यादा ही उछल कूद मचा रहे हैं तथाचार्य, क्योंकि तथाचार्य हैं ही ऐसे, और ख़ास तौर से सौदामिनी के लिए तो मतलब उनका तो चलता रहता है। दरबार में बाकी लोग सब लोग खुश हैं उनके नृत्य को लेकर, आप कितने खुश हो? मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इतना एक्साइटेड हूँ कि महाराज दो तीन बार टोक देते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, तो एंजॉय कर रहे हैं तथाचार्य सौदामिनी के नृत्य को। So, उनके नृत्य को देखकर खुश होकर उन्हें तोहफा भी दिया गया है जी, तो मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये कहानी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस ये कहानी है कि जो कभी कभी आँखों से जो हम देखते हैं वो सत्य नहीं होता है, उसके ऊपर ये पूरी कहानी है, भ्रम हो जाता है, और बड़ी बड़ी मज़ेदार बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब सौदामिनी को ही लेकर के ही है, सौदामिनी को लेकर के गलतफहमी हो जाती है और पूरी कहानी उसके ऊपर है, और इसमें तथाचार्य का दिल टूट जाता है, और फिर एंड में कैसे दिल संभलता है तथाचार्य का, और सारे जो भ्रम हैं, सारी जो गलतफहमियाँ हैं वो सब सामने आती हैं, वो सब कुछ साफ साफ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बड़ा अच्छा लगा सौदामिनी का, तो मतलब क्या बात है। आप भी जरा वो नृत्य, आंखों का नृत्य दिखा दोगे? हमारी सौदामिनी ऐसे 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 करती है तो बड़ा आनंद आता है।
थैंक यू वेरी मच। इस पूरे ओवरऑल जर्नी है, तो आपका कैसा बीता पूरा जर्नी? मैं मतलब इस शो को मैं बहुत 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 एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से आई एम वेरी लकी जो मुझे तथाचार्य का रोल करने को मिला। तथाचार्य का जो रोल है इस सीरियल में सबसे मुश्किल किरदार है, क्योंकि एकदम सीधा करेक्टर नहीं है। जैसे पंडित रामाकृष्णा का सीधा करेक्टर है, राजा का सीधा करेक्टर, ये तथाचार्य नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, कॉमेडी भी करता है, हंसता भी है, रोता भी है, उछलता भी है, कूदता भी है, गिरता भी है, पेड़ पे भी चढ़ता है, सांप भी गले में लटक जाता है, बैल भी पीछे पड़ जाता है, बिल्ली भी, मतलब अजीबोगरीब हरकतें तथाचार्य के साथ होती हैं। गिरता है, काला होता है, गोबर में मुँह चला जाता है, तो बहुत ही एनर्जेटिक करेक्टर है। और इसमें हाँ ऑफकोर्स बहुत एनर्जी लग रही है, बट आई एम एंजॉइंग। क्यों? क्योंकि इसके जो नतीजे हैं जो सामने आ रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं लोग तथाचार्य को, बच्चे बूढ़े। मैं जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। सो आई एम एंजॉइंग दिस करेक्टर, और ऐसे ही मैं इसको एंजॉय करता रहूँगा। और दूसरा, मैंने पहले भी कहा था कि इस शो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वो उस तरीके का डेली सोप नहीं है कि जिसमें वो एक करेक्टर एक ही सुरताल पे चलता चला जा रहा है या कहानी एक ही सुरताल पे चलती चली जा रही है। इसमें क्या है कि हर कहानी के बाद एक नई कहानी आती है, कुछ नए किरदार आते हैं, तो स्टोरी बदलती है, एम्बियंस बदलता है, माहौल बदलता है, वातावरण बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, आसपास की चीज़ें बदल जाती हैं, तो एक नई ताजगी आती है हर कहानी में। तो जब ताजगी बरकरार रहेगी तो शो की ताकत भी बरकरार रहेगी और लोग इसको एंजॉय करते रहेंगे। देखते-देखते 200 एपिसोड हो गए। तो आपके मुंह में गुड़, घी, शक्कर, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, इसके 2000 एपिसोड भी हो जाएं और अवश्य होंगे। So, अगर इस शो में ऑफ स्क्रीन की बात किया जाए तो कितना आप बोलते हैं ना, कितना अब तक जो चलता आया है? अब देखिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ, मेरे घर से 42 किलोमीटर ये लोकेशन है, मैं सुबह घर से निकलता हूँ, मुझे सवा घंटा आने में लगता है, सवा घंटा से डेढ़ घंटा जाने में लगता है, और तकरीबन मेरी ज़िंदगी के 24 घंटे में से 15 घंटे डेली इसमें जाते हैं। बट मैं जब सुबह उठता हूँ और जब मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ तो एक्साइटमेंट होती है कि मैं अपने तेनालीरामा शो में तथाचार्य के करेक्टर को आज फिर निभाने जा रहा हूँ। तो वो जो एक्साइटमेंट, वो जो बस वो अजीब अद्भुत सी चीज़ है जो बहुत मज़ा आता है, जिसकी वजह से ये ताजगी रहती है, ये एनर्जी रहती है, ये एनर्जी लेवल बना रहता है। So, ये जो भी 200 एपिसोड्स हुए, उसमें से सबसे अच्छा एपिसोड आपको मतलब कौन सा? बहुत सी कहानियाँ ऐसी आई हैं, मतलब अब जैसे बिगनिंग की कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत सी अभी वो एक कहानी अभी आजकल वो चल रही है, एक वो पारस मनी चल रही है, फिर पीछे वो गाय बिल्ली वाली कहानी आई, ऐसी बहुत सी मतलब कहानी बदलती रहती हैं और नई नई कहानी आती रहती हैं, तो हर बार कुछ नया करने को मिलता है, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है इस शो के साथ। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद कहूँगा दर्शकों का जो हमारे शो को देखते हैं, और खुशी की बात यह है कि हमारे शो को बच्चे, बूढ़े, जवान सब देखते हैं और पसंद करते हैं, और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आप लोग हमारे शो को देखते रहें, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका दुलार हमें मिलता रहे और हम ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहें। और हाँ, एक और जो USP है शो की, ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ हर स्टोरी जो है वो मैसेज देती है, तो ऐसे ही हम आपको एंटरटेन भी करते रहें और आपको मैसेज भी देते रहें। थैंक यू।